खुद डरे नहीं और ना ही दूसरों को डराएं, कोरोना वायरस के प्रति सबको जागरूक बनाएं। बासु टेलीकॉम मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, दिवाली के इस खास अवसर पर मोबाइल एंड स्मार्ट टीवी आपके शहर में सर्वोदय चौराहे पर एक बार अवश्य पधारें। बासु टेलीकॉम। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर की कई समस्याओं को लेकर आज नगरपालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और मांगों को जल्द पूरी करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि बेलई तिराहे पर बने नगरपालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड की बाउंड्री वॉल का निर्माण जल्द कराया जाए। नगरपालिका की फायर ब्रिगेड के लिए एक अलग से ड्राइवर एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, जिनके लिए सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ एवं शहर की सफाई व्यवस्था के साथ साथ करीब 9 मांगों को लेकर नगरपालिका सीएमओ आरबी रजौरिया को ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी की मांग की है कि सबसे पहला हमारा पॉइंट ट्रेंचिंग ग्राउंड में धरोरा के पास में बिलीट तरह के पास में ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ चारों तरफ 10-10 फुट की बाउंड्री वॉल बनाई जाए, एक ही हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि आज से 2 दिन पहले बीना में एक आग लग चुकी थी, एक समाधान क्लिनिक में जो घटना हुई थी उसको देखते हुए एक बात संज्ञान में आई है कि आज बीना नगर पालिका के लिए एक फायर ब्रिगेड के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत है। ये हमारी मुख्य मांग है कि प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। तीसरा हमारा पॉइंट है कि बीना में जगह जगह सड़कों पर कचरा एकत्रित होता है, इसके लिए और पूरी रास्ते फैल जाते हैं, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए घर घर कचरा गाड़ी चलाई जाए। अगला हमारा पॉइंट है रात को 9 बजे सभी दुकानों के आगे थोड़े थोड़े समय को रोकते हुए कचरा गाड़ी का संचालन किया जाए, ताकि दुकानदार लोग अपने सुविधा अनुसार कचरा को फेंक सके, डाल सके। पांचवा, स्टेशन रोड पर निर्मित नाले में कुछ स्थानों पर निर्माण एजेंसी द्वारा नाले को कवर नहीं किया गया था, जिससे भविष्य में कई दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। उन दुर्घटनाओं से अंकुश लगाने के लिए रोकने के लिए हमारी मांग है कि उनको कवर किया जाए। अगली हमारी मांग थी, पहले भी शासकीय और प्राइवेट कार्यालयों की एनओसी की जांच की मांग की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। आज आम आदमी पार्टी ने फिर से एक बार मांग की है कि समस्त प्राइवेट और शासकीय कार्यालयों की एनओसी की जांच की जाए। अगला हमारा पॉइंट था बीना नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह निजी स्थानों पर लगे हुए अवैध होर्डिंग को बीना से बाहर किया जाए और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। बीना नगर पालिका द्वारा भूमि क्रय करके गौशाला का निर्माण किया जाए, ताकि आवारा मवेशी को वहाँ रखा जा सके, जिससे रोज होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। नौवा पॉइंट है जागेश्वरी कॉलोनी गली नंबर 4 के सामने सड़क नहीं है, वहाँ सड़क का निर्माण किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके और लोग भी आराम से निकल सकें।